चौधरी अदनान वकास उर्फ विकी गुज्जर बलाज इनको चाचा जी कहकर बुलाया करते थे। अमीर बलाज के कैसे मरासम थे? वन साइडेड ही दुश्मनी है। बलाज वगैरह किसी ने आज तक किसी को भी कत्ल नहीं करवाया। एहसन शाह पैसे मांगता है तुम्हारे नाम पे, उसने एक दो दफा मेरे सामने से डांटा भी। 25,000 की जुराब का पेयर अपने लिए लिया है, मैं मालूम से तो उसके लिए भी लिया है। उम्रे पे जाने से पहले उसे 10 लाख रुपए दिए। बलाज आपको चाचू जी करके बुलाते थे, वो क्यों बुलाते थे? वो इसलिए बुलाता था कि उसे पता है कि ये मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं पुराने, चाचू जी, विकी जी, भाई, हर तरीके से बुलाता था। आपका अमीर बलाज साहब से कैसा ताल्लुक था? अमीर बलाज हमारे हाथों में जवान हुआ जी, और बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत प्यारा खूबसूरत इंसान था, एक उसकी ज़ाती शख्सियत बहुत अच्छी थी, और वैसे भी दर्द रखने वाला इंसान था। आप मुझे काफ कैमरा बता रहे थे कि आप बैठे हुए थे तो एक बंदा आया और आपने मना किया, वो वाकया ज़रा सुनाएं। मीर बलाज के साथ बैठा हुआ था तो एक बंदा आ गया, उसे गनमैन ने रोक लिया है, तो इसने उसे कहा कि इसे आने दो। मैं पास बैठा था, मैंने इसे कहा यार मीर बलाज आप क्यों हर एक को मैसर हो, मैं मेरे बैठे बैठे 8-10 बंदे आए हैं जो कि इतने जान पहचान वाले भी नहीं और आप उन्हें मिल रहे हो। तो वो आगे से हंस के मुझे कहता है कि ये लोगों को मैं मिलूंगा तो लोगों को पता चलेगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, मेरा इमेज ख़राब नहीं होगा। ये जो लोग डरते हैं कि पता नहीं ट्रकों वाला फैमिली क्या है, तो मैं ऐसा सिस्टम नहीं चाहता। मैं इसलिए चाहता हूँ कि हर बंदे तक मैं अवेलेबल हूँ, जिसको मेरे से कोई काम हो, कोई भी बात हो, किसी का घरेलू कोई मसला हो या वैसे कोई मिलने की चाहत रखता हो, तो वो लोगों को मिलना पसंद करता था। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक ही फैमिली के चिराग गुल हो रहे हैं, दूसरी फैमिली को बिल्कुल खराश तक नहीं आ रही, इसके पीछे क्या मामला है? इसके पीछे देखें, इस दुश्मनी को जो जब से मैंने होश संभाली है, मैं देख रहा हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये ना वन साइडेड ही दुश्मनी है। जैसे कि टीपू भाई फैमिली को मारा जे, मरवाया जे, ताजर डरे, क्योंकि शालमी एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाहौर का सबसे बड़े ताजर बैठे हुए हैं, तो वो लोग डरे, वो लोग खौफजदा रहें, उन लोगों से बाद में भत्ता लिया जाए, उन लोगों के फैसले किए जाएं, उन लोगों के सारे मामला अपने हाथ में लिए जाएं। तो इसके अलावा तो मुझे कोई, क्योंकि बलाज वगैरह या टीपू वगैरह की फैमिली ने किसी ने आज तक जिस अपनी मुखालफत में किसी को भी कत्ल नहीं करवाया। आपको कभी एहसन शाह की हरकतों पर कोई शको शुबाहत नज़र नहीं आए? एहसन शाह की हरकतों पे शको शुबात क्या नज़र आने थे, एहसन शाह के टॉपिक पे ये बात होती थी कि यार ये क्या करता है, इसकी मुझे भी कई लोग शिकायतें करते हैं कि किसी से पैसे मांगता है तुम्हारे नाम पे, किसी से दिहाड़ियाँ लगाता है, किसी का कुछ करता है। तो उसने एक दो दफ़ा मेरे सामने से डांटा भी, तो अच्छा? हाँ, उसने कहा देखो तुम मेरे भाई हो, दोस्त हो, तुम्हें जो चाहिए मेरे से लो। इवन के आप हंसने वाली बात है कि अगर मीर बलाज ने 30,000 रुपये का अपना अंडरवियर लिया ना, तो उसके लिए भी लिया है। अगर उसने 25,000 की जुराब का पेयर अपने लिए लिया है, मैं मालूम से, तो उसके लिए भी लिया है। अगर गुची की पैंट शर्ट उसने अपने लिए ली है, उसके लिए उसने कहा तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तू प्यार करता था उससे, यहाँ तक इतनी मोहब्बत थी एहसन शाह से, यहाँ तक के उसके घरों के मामलात, उन लोगों के अप डाउन के मामलात, इवन के अभी उम्रे पे जाने से पहले उसे 10 लाख रुपए दिए, जब ये है कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो तब भी उसने 10 लाख रुपए दिए कि जाओ जाके दुआ भी करो। अमीर बलाज साहब ने 10 लाख रुपए एहसन शाह को दिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये बड़े बावसूख तरीके से आप बता रहे हैं। बावसूख, ये तो पैसे ही कुछ नहीं उसके लिए, वो तो प्यार करता था उससे। आपका कैमरा, आपने एक वाकया मुझे और भी बताया कि जब अमीर बलाज जहां फानी से कूच कर गए जी, तो ये बंदा जाता है, गार्ड इसकी चेकिंग करते हैं, इवन देन इनकी जेबों को भी टटोला जाता है। जी जी जी। मैंने इसे फोन किया। अच्छा आपने फोन किया? मैंने फोन किए से 9 मिनट की मेरी इसकी बात हुई। क्या बात हुई 9 मिनट? मैंने कहा एहसन शाह आज मुझे महसूस हुआ है तो मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारी तलाशी। आगे से मुझे कहता नहीं विकी भाई मेरे साथ बड़ी बड़ी ज्यादती हुई है, देखे मैं उसका 14 साल पुराना दोस्त हूँ, मुझे भी इन्होंने लोगों की तरह एक लाइन में लगा दिया, मेरी तलाशियां ले रही है वो। मैंने उसे कहा यार देखो मीर मौसम अभी परेशान है, मीर फतेह परेशान है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, किसको मिलना है नहीं मिलना, थके हुए हैं। उसी ने गार्ड को कहा था कि यार अभी मेरे से कोई ना मिले। कहता ठीक है भाई जान, मुझे आपकी बात समझ आ गई, मुझे तो आगे से उसने ये कहा। मैंने मीर बलाज को कहा था, मैंने कहा यार ये एक मरासी है, इसका बाप भी फ्रॉडिया था, ये एक फ्रॉडिया फैमिली है जो बाहर लोगों से
फ्रॉड करते हैं, किस्तों शिस्तों पे चीज़ें देते हैं, इनका तुम्हारा म्यार नहीं, तुम इतनी बड़ी दुश्मनी में हो, ये ना हो कल को ये तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। अच्छा, ये प्रेडिक्शन आप कर चुके थे? हाँ, ना कि दुश्मनदार है ना, उसे सोचना चाहिए कौन, क्योंकि मैं मेरी मेरा एक मैं ये मैसेज दोस्तों को भी दूंगा कि जो दुश्मनदार होता है ना उसका कोई दोस्त नहीं होता। ये गलत साइड पर डाइवर्ट करने की कोशिश करता था, हालांकि वो पांच वक्त का नमाजी आदमी था। जी 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 जी, हाजी साहब उसको अल्लाह ने रुतबा मकाम दिया था, हाजी साहब उसको सब कहने लग गए थे क्योंकि उसने हज वगैरह किए, उम्रे बेशुमार किए माशाल्लाह। तो बहुत नेक आदमी था और पॉजिटिव आदमी था। कैसर भट्ट साहब एक ऐसे भाई हैं कि उन्होंने बलाज को औलाद की तरह, भतीजों की तरह, दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह, इवन मैं ये कहूँगा कि अगर लाहौर में सबसे ज़्यादा मीर बलाज किसी से प्यार करता था, किसी की रिस्पेक्ट करता था, तो दैट इज़ वन मैन ओनली कैसर भट्ट। बल्कि कितने मज़े की बात है, अब मैं आपको बताता हूँ, उसकी फौतगी से चार पाँच दिन पहले हम इकट्ठे हुए तो बात हो रही, कैसर भाई की भी बात हुई, तो मुझे कहता है विक्की जी कैसर भट्ट जो है ना मेरे सगा बड़ा भाई है। आपको विक्की जी करके बुलाते थे? हाँ, मुझे कहता विक्की जी कैसर भट्ट मेरा सगा बड़ा भाई है, जब तुम लोग कारोबारों में चले गए मैं अपनी दुश्मनी में रहा, तुम लोग कम कम आते थे, मेरी दिन रात जितनी मैंने 8-10 साल मेरे जाली मुकदमात भुगते, डिटेंशनें भुगती, जाली कत्ल भुगते, उसमें कैसर भट्ट ने मेरा मेरे बड़े भाइयों की तरह साथ दिया और मुझे कैसर भट्ट पे बहुत मान है। मुझे ये बताएं कि लोग ये भी कहते हैं कि इन ये बंदे मरवाते थे, ये इन्होंने कब्जे कर रखे थे, आप तो इनके फैमिली मेंबर रह चुके हैं, आप अल्लाह को हाजर नजर जानकर हकीकत बतानी है। मैं एक हकीकत बात बताऊं, ये एक बड़ा प्यारा ख़ानदान है जो लोगों से मिलनसारी रखता है, लोगों से प्यार रखता है, खाना खिलाना पिलाना इनका शौक़ है, दोस्तों को इकट्ठा करना, दावतें करना इनका शौक़ है, इनका कोई शौक़ नहीं है लोगों के बंदे मरवाने, बच्चे यतीम कराने, ठीक है। और ये जो लोगों ने मशहूर किया हुआ जी नीफा शफीक भोला सुनियारा फलाना इश्तियारी, वो तो ऑलरेडी पुलिस ने मारने थे। इन लोगों ने टीपू भाई के बाप को मर्डर किया, इन लोगों ने टीपू भाई को मर्डर किया इश्तियारियों ने, ये वो, तो अगर पुलिस उनको मार रही है तो उसमें टीपू का क्या कसूर है भाई? अच्छा, हम तो उसको मानेंगे कि कोई बंदा ये साबित करे कि कारोबारी बंदा कत्ल करा दिया, किसी की जगह पे कब्जा कर लिया, किसी से बता ले लिया, वो कोई भी बंदा साबित करे मैं उसके सामने कसम न्याय देने को तैयार। आप उसके पैसे भी दिलाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, अगर इस घर ने किसी का कोई नजायज 1 रुपया भी खाया हो हम उसके पैसे दिला। क्या कहना चाहेंगे इदारों को? मैं ये कहना चाहता हूँ इदारों को, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा को, हमारी अदलिया को, और खसूस बिलखसूस हमारे पुलिस को ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आप लोग इंसाफ करें इस ख़ानदान के साथ, जो इस बच्चे के मर्डर में इसके जुल्म में इन्वॉल्व हैं उनको कानून के जरिए कैफरे करदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। पार्टी बॉयज़ के नाम से भी जाना जाते हैं ये एसन शाह की करामात हैं कि वो इस मामला में मशहूर था और इसका दोस्त होने की वजह से उसके ऊपर एलिगेशन थी। एसन शाह के बच्चू पहलवान हैं, उसके दादू भी हैं जी, भाई पहलवान है, हसन भाई उसके ब्रदर इन लॉ भी है, कज़न भी है, हम लोग भी हैं और दोस्त भी हैं, गनमैन भी हैं, सब इसको ये कहते थे कि यार खुदारा इससे पीछे हटो, ये मरासी सा है, इसके बाप का खून का किसी चीज़ का पता ही नहीं है। बंदा कमजोर होना गरीब होना कोई बात नहीं, लेकिन बंदा खानदानी होना बहुत जरूरी है, समझे। सब ने इसे मना किया था लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, शायद ऐसा इसकी ज़िंदगी में ये होना था और भी दुनिया को भी पता चलना था कि आज 2024 में दोस्तियां क्या रह गई हैं। एहसन शाह की वीडियो वायरल हो रही हैं, वो कैसा था? आप तो हर महफल में होते थे, अब हर महफल की जान भी होते थे। मैं आपसे पूछता हूँ कि वो वीडियो जो वायरल हो रही है उससे आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि वो कैसा था? गंदा इंसान था, अगर तू तमाशबीनी भी कर रहा है या वट एवर आगे भी कोई है इस तरह वीडियो बनानी या ये वो किसी की भी किरदार कशी करनी, क्योंकि अपना तो उसका किरदार कोई था नहीं, ठीक है। अब वो जो वीडियो भी वायरल है उन्हीं के लोग करी जा रहे हैं, उन्हीं के सब कुछ कर रहा है। हम जितना ग्रुप है या दोस्त हैं या यार हैं, हमारा अल्लाह की तरफ ध्यान है और स्टेप ये अपनी जो है गवर्नमेंट की तरफ ध्यान है, अदलिया की तरफ ध्यान है, पुलिस की तरफ ध्यान है, कोई किसी का ये ध्यान नहीं है कि उनका किसी का बच्चा मार दो, किसी को नुकसान पहुंचा दो, किसी आज भी देखें इसी
मीर मौसम माशाल्लाह एलएलएम करके लंदन से आया है, अभी उसने ब्रिस्टरी के लिए दोबारा। और मैंने सुना है कि वो जब जाते थे ऑफिस के लिए तो अकेले जाते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे जाते, कोई गनमैन नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं हुआ करता था। इवन के पुलिस ने इस पुलिस मैं कहता हूँ आप पुलिस के आला अफसरान से पूछें कि मीर बलाल टीपू एक अच्छा इंसान था कि बुरा इंसान था, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। बड़ा नाम है मलक एहसान साहब का, उनके बेटे भी माशाल्लाह वकला है, उनसे भी दुश्मनियां खत्म की, यानी कि उन्हें भी कहा मेरे बुजुर्ग हैं, हमारी आपकी कोई दुश्मनी आप नहीं है। साथ आप साथ साथ होते थे। मेरा ये है ना कि मैं अगर जिस टाइम उसे जरूरत होती थी मुझे कहता था तो मैं उसका हुक्म सारा आंखों पे रखता था, क्योंकि मुझे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था, क्योंकि हम उसे देख के खुश थे। टीवी बट ने भी किसी पोशीदा मुकाम से 24 न्यूज को एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में यही है कि तीफी भट्ट जब पेश होगा और अपना बयान देगा तो पुलिस फैसला करेगी। आपको डर नहीं लगता कि आप इतने इंटरव्यू दे रहे हैं कल कलां को, जिस फैमिली के खिलाफ आप इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? आपको डर महसूस नहीं होता कि यार मैं बड़े धड़ल्ले के साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ? डर किस बात का, मौत तो वो जो वक्त मुकर्रर है आ ही जानी है, और इसमें कोई मैं अकेला नहीं हूँ कि जो इंटरव्यू दे रहा हूँ या ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके साथ नजायज़ हुआ है, इसके साथ जुल्म हुआ है, इसके मुलजमों को कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। ये आप घर घर में जाके पूछें, ये आप सोशल मीडिया से पूछें, हर बंदा, अब वो वक़्त नहीं है, अब इट इज़ 2024, ठीक है ना, तो अब वो मामलात नहीं है, अब गवर्नमेंट्स और पुलिस बहुत एक्टिव हैं, किसी जो हक सच है उस पर आप डटें, ठीक है। अगर तीफी भट्ट इसमें मुलजम नहीं है तो आके अपनी बेगुनाही साबित करे, ठीक नहीं, अगर मुलजम होगा तो पुलिस उसको गोगी भट्ट को तो उन्होंने साइड पे ही कर दिया। इसके मतलब अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पुलिस के जो काम है वो पुलिस ही बेहतर समझती है कि वो क्या कर रही है, ये भी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बाहर आ जाएंगी।